हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। टॉपिक है हमारा आज का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रहता है कोऑर्डिनेशन, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। आज हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पर काम करता है। तो देखिए, रिगार्डलेस ऑफ साइज नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन विच आर। जो भी हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके अंदर कुछ मैनेजमेंट के अंदर जो बेसिक जो हमारे फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं वो होते हैं हमारे 5 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 हमारे फंक्शन हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजमेंट में। एक बार दोबारा देख लीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये बेटा इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं, ये नहीं कि आप इसमें आगे पीछे लिख दोगे, नहीं, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में ही करना है। पहले प्लानिंग आती है हमारी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आज हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। और आप ये देख लीजिए, जिस प्रकार मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आप ऐसे ही अगर एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट करते हैं हम प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? आप देखिए, कुछ भी काम करते हैं बेटा, अगर आप अपना पढ़ने का रूटीन भी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार आपको काम करना है। ऐसे ही किसी भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में सबसे पहले क्या होती है? प्लानिंग होती है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना। व्हाट टू डू, क्या करना है। हाउ टू डू, कैसे करना है। वैन टू डू, कब करना है। एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट, और कौन इस कार्य को करेगा। यानी कि एडवांस में सोच के रखना कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टूडे एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच। जो प्लानिंग होती है वो क्या करती है, जो हमारे गैप्स होते हैं उनमें ब्रिज बनाने का काम करती है। कि ये देखते हैं कि जहाँ आज हम खड़े हैं और हमें कहाँ तक जाना है, उस सफ़र को तय करने का जो हमारा जरिया है वो कौन है? हमारा प्लानिंग है। प्लानिंग के थ्रू ही हम सोच सकते हैं कि हमें क्या अटेन करना है। तो अब देखिए, बेसिक फंक्शंस हैं ये प्लानिंग में। क्या क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग, बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस, जितने भी हमारे बाकी फंक्शन है सबका बेस होता है ये, क्योंकि इसी के अंदर डिसाइड किया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, इसी के अंदर प्लान डिसाइड किया जाता है और फिर बाद में उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है? बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन फर्स्ट है ये हमारा। इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड चॉइस। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? डिसीजन मेकिंग एंड चॉइस इन्वॉल्व होते हैं। किसके अंदर? प्लानिंग के अंदर। तो आया आपको समझ में प्लानिंग क्या होती है। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग। हमारा फर्स्ट फंक्शन ख़त्म होने के बाद, हमें प्लान बनाने के बाद बारी आती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? देखिए, सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क। अब हम क्या बना रहे हैं? फ्रेमवर्क बना रहे हैं एक की ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड। कि जब हमें काम करना है, जो हमें प्लान दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो उसमें हमें कितने डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, कितने हमारी यूनिट्स बनेंगी, कितनी सब यूनिट्स बनेंगी, हाउ मैनी पोस्ट फॉर डेस्टिनेशन आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट। यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट में हमें कितनी पोस्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें देखना। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिफरेंट पीपल को रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दी जाएगी। वंस दिस डिसीजंस आर टेकन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट सेटअप।
यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है बेटा, हमें हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक स्केल्टन बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का कि किस प्रकार हमें काम करना है। प्लानिंग में तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब तक करना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती है। लेकिन उस प्लान पर वर्क करना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, देखते हैं कि कितनी चीज़ें हमारे पास हैं, कितनी चीज़ें हमारे पास नहीं है, एक स्केल्टन तैयार करते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग में देखो क्या क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस नेचर की एक्टिविटी है, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, सेम नेचर की एक्टिविटीज़ ही को ग्रुप किया जाएगा, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस, यानी कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं मैनेजर्स होते हैं उनके बीच में क्या बनाना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस क्रिएट करना, क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट, हमारे काम के अकॉर्डिंग वेरियस डिपार्टमेंट तैयार करना, असाइनिंग ड्यूटीज, ड्यूटीज असाइन करना, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाना कंप्लीट, क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए हमें फ्रेमवर्क बनाना, डिज़ाइनिंग स्केल्टन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार करना, ये सारे काम किस में होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, देखिए जब हमने देख लिया, हमने डिपार्टमेंट्स बना लिए, अब हमने ये भी जान लिया कि किस किस डिपार्टमेंट्स में कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, कितना लोगों को हमें एक काम करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग में अब क्या किया जाएगा, स्टाफिंग में अब रिक्रूटमेंट की जाएगी, लोगों को लेकर आया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, रिक्रूट करना, पर्सन्स को सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना, द एम्प्लॉयज़ असाइनिंग देम ड्यूटीज़, उनको एम्प्लॉय को क्या करना, अपॉइंट करना, फिर उसके बाद उनको ड्यूटी असाइन करना, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की जितनी भी ग्रीवेंसेस होती है उनको हैंडल करना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज़, डिसाइडिंग दियर रेमोनरेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स एट्सेट्रा, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जैसे कि आपने सुना होगा ना एचआर डिपार्टमेंट होता है, तो ये सारा काम स्टाफिंग होता है, एचआर डिपार्टमेंट का सारा काम क्या होता है, स्टाफिंग होता है हमारा। स्टाफिंग में हम रिक्रूटमेंट करते हैं, पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, उनके प्रमोशन के बारे में सोचते हैं, उनका इंक्रीमेंट देखा जाता है, रेमुनरेशन तय किया जाता है, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, स्टाफिंग में होती है। इसके अंदर बेसिकली हम ये सारे काम करते हैं, कौन कौन से, ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ से रिगार्डिंग जितनी भी आपकी एक्टिविटी होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमारी क्या कहलाती है, स्टाफिंग कहलाती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इसके अंदर किया जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है, एस्टिमेटिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन ऑर्गेनाइजेशन वी विल नीड इन नियर फ्यूचर, ये एस्टिमेट किया जाता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें कितने मैन पावर की रिक्रूटमेंट ज़रूरत है, उसके हिसाब से क्या की जाती है, रिक्रूटमेंट की जाती है। तो स्टाफिंग में बेसिकली काम किसका होता है, एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग जितना भी वर्क होगा, जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी, वो सभी हमारे किस में आ जाती है, स्टाफिंग में आ जाती है। ठीक है, प्लानिंग में हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना है, हमें एक डिसीज़न लेना है कि हमें क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग में उसके रिगार्डिंग हमें एक स्केल्टन तैयार करना होता है, एक फ्रेमवर्क तैयार करना होता है। स्टाफिंग में हम पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है किसके अंदर, स्टाफिंग के अंदर। अब बात आ जाती है हमारी डायरेक्टिंग की। जब देखिए हमने डिसीज़न ले लिया है, फ्रेमवर्क बना लिया है, मैन पावर हमने तैयार कर लिया है, अब आती है डायरेक्शन की, यानी कि अब उनको डायरेक्शन देनी है कि आपको किस प्रकार किस तरह से काम करना है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारी डायरेक्टिंग में आ जाएगी। तो डायरेक्टिंग में क्या आएगा, देखिए इट रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेटिंग विद देम, मैनेजर्स एक्ट एज लीडर्स एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। देखिए डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं कि किस प्रकार काम करना है। यहाँ पर मैनेजर क्या होता है, एज अ लीडर वर्क करता है और एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है। इसमें बेसिकली हमारे चार फंक्शन परफॉर्म होते हैं, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। ये चार हमारे बेसिकली फंक्शन आते हैं किसके अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। हम इनका हम एक एक करके वर्क देख लेते हैं। देखिए गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देना,
मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना, ऑब्जर्विंग सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉइज़ को गाइड करना, ऑब्जर्व करना, कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉइज़, हेडिंग एम्प्लॉइज़ टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल। तो देखिए, प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, स्टाफिंग में हम रिक्रूटमेंट करते हैं, डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज़ को डायरेक्शन देते हैं कि उनको किस प्रकार काम करना है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब हम बात करते हैं हम कंट्रोलिंग की। देखिए बेटा, यहाँ पर हम कंप्लीट इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आगे हमारे कंप्लीट चैप्टर है इनके रिगार्डिंग। प्लानिंग हमारा कंप्लीट अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग अलग चैप्टर है, स्टाफिंग अलग चैप्टर है, डायरेक्टिंग अलग चैप्टर है, कंट्रोलिंग अलग चैप्टर है। तो वहाँ पर हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको क्या क्या करना होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग में क्या आता है, देखिए, इन दिस फंक्शन मैनेजर्स ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लांट परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ, देन मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ डेविएशन एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स टू कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान। देखिए, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ तक डायरेक्टिंग तक हम क्या कर लेते हैं, हमारा काम हमारा फिनिश हो जाता है, सारा काम हम कर लेते हैं। जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग जो हमें वर्क करना था वो हमने वर्क डन कर लिया है, कहाँ तक, डायरेक्टिंग तक। अब बात आती है कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं बेटा, हम मैच करते हैं कि जो हमने वर्क किया है और जो हमने प्लान किया था, जो हमने सोचा था, उसके अकॉर्डिंग वर्क हुआ है या नहीं हुआ, दोनों को आपस में मैच किया जाएगा। यदि दोनों मैच हो जाते हैं तो अच्छी बात है, यदि मैच नहीं होते हैं, कोई डेविएशन निकल के आता है, तो उस टाइम हम देखेंगे कि जो डेविएशन आया है उसका रीज़न क्या है, फिर उसको ओवरकम करने का काम किया जाता है किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें क्या है हमारा, कंट्रोलिंग फंक्शंस रेफर्स to all the performance measurements and follow up actions that keep the actual performance on the path of the plan। ठीक है, अब इसमें काम देखते हैं हम क्या क्या करेंगे। Ensure work accomplishment as per plan, ensure करना कि plan के according काम हुआ है नहीं हुआ है। Comparison between plan and actual performance, जो actual performance है और plan है दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, comparison किया जाएगा। Any deviation from expectation or standard is due to lack of controlling। यदि कोई deviation find होता है तो किस वजह से होता है, वो controlling की कमी के कारण होता है। Finding out deficiencies in implementation of plan, प्लान को इम्प्लीमेंट करने में जो डेफिशिएंसी आई है उनको फाइंड करना, फिर उनको क्या किया जाएगा, ओवरकम किया जाएगा किसमें, कंट्रोलिंग के अंदर। तो ये थे हमारे बेसिक 5 इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको बेटा इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, आगे पीछे याद नहीं करना है, क्योंकि ये देख ले आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी लेना उसके अकॉर्डिंग आप याद करने की कोशिश करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद उसके ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करने के बाद आप उस पर स्टाफिंग करेंगे कि कितने पर्सन्स के आपको रिक्रूटमेंट है, फिर पर्सन्स को अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा, पर्सन्स को अपॉइंट करने के बाद उनको ड्यूटीज़ अथॉरिटीज़ असाइन कर दी जाएगी, फिर उनको क्या किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा कि आपको किस प्रकार काम करना है, कैसे काम करना है, फिर वो वर्कर काम करेंगे, काम खत्म हो जाने के बाद फिर आपका कंट्रोलिंग आ जाता है कि अब आप क्या करके देखेंगे, मैच करके देखेंगे आपस में दोनों वर्क को, जो आपका प्लानिंग वर्क था वो और जो आपने अभी परफॉर्म किया है वो, अगर आपस में वो मैच हो जाते हैं तो अच्छी बात है, यदि वो मैच नहीं होते फिर डेविएशन फाइंड किया जाएगा, डेविएशन फाइंड किया जाएगा उसका रीज़न फाइंड किया जाएगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, ओवरकम किया जाएगा कंट्रोलिंग के अंदर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।